हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वाओ इलेक्ट्रिकल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एनालॉग मल्टीमीटर। तो एनालॉग मल्टीमीटर क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एनालॉग मल्टीमीटर की किस तरह से दिखता है वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनालॉग मल्टीमीटर कुछ इस तरह से दिखता है। जो आप अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आप इसे की मदद से बहुत सारी चीज़ें का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फंक्शन ऑफ एनालॉग मल्टीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंटर नीडल। तो ये पॉइंटर नीडल है जिसकी मदद से ये फ्लक्चुएशन होती है और हमें रीडिंग दिखाती है। यहाँ पर जीरो एडजस्टमेंट है। अगर नीडल ज़ीरो पर नहीं है तो हम ज़ीरो एडजस्टमेंट की यूज़ करके हम इसको ज़ीरो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डीसी वोल्टेज, अगर डीसी वोल्टेज को मेज़र करना है तो इसे डीसी वोल्टेज पर रखना होता है। डीसी करंट, लार्ज करंट पोर्ट, यहाँ पर लार्ज करंट पोर्ट है, यहाँ पर कॉमन पोर्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी, यहाँ पर रेजिस्टेंस, और ये जो आपको पोर्ट दिख रहा है यहाँ पर आप वोल्टेज रेजिस्टर एंड स्मॉल करंट पोर्ट है, और यहाँ पर एसी वोल्टेज है। और ये हर डिफरेंट मल्टीमीटर में डिफरेंट होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिरर, रिड्यूस पैरेलल एक्स एरर एंड मीटर स्केल यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट स्केल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो एक एनालॉग फॉर्मेट में है, और इसलिए इसको हमें 90 डिग्री से देखना पड़ता है जो हम इसे मेजर कर सकते हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो एनालॉग मल्टीमीटर इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ अ मल्टीमीटर। इट हैज़ अ नीडल दैट रोटेट अलोंग अ स्केल। दे आर चीप बट आर डिफिकल्ट टू रीड। However, they are more sensitive than a digital multimeter. It can sense even small change in a reading. ये small change को भी reading में दिखा सकता है आपको। Now, it is made of a coil placed between two permanent magnet. A needle placed on top of the coil. When a current passes through the coil, it generates a magnetic field that interacts with the magnetic field of the permanent magnet. As a result, the coil rotates moving द नीडल अलॉन्ग द स्केल। ओके, यहाँ पर सारा खेल मैग्नेट का है क्योंकि दो परमानेंट मैग्नेट होते हैं और उसकी मदद से ही यहाँ पर फ्लक्चुएशन होता है मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, और आपको नीडल स्केल करती दिखाई देगी। द एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो। और परमानेंट मैग्नेट में जितना अमाउंट करंट फ्लो होगा उतने अमाउंट का आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा इन नीडल पर। This configuration is also known as a galvanometer. इसे हम galvanometer भी कह सकते हैं। It has a very small resistance, therefore it is more sensitive. Due to the same reason, full scale deflection should be avoided because the current exceeds the range of the coil deflection and it start to burn the coil, which will destroy the meter itself. Okay? अगर current ज़्यादा बढ़ जाए तो destroy भी हो सकती है आपकी coil. Therefore, the multimeter has a multiple range where shunt resistor are used in parallel to divide the current and measure large value. Shunt resistor यहाँ पर बहुत सारे होते हैं जिसकी मदद से आप करंट को डिवाइड कर सकते हैं। नाउ एनालॉग मल्टीमीटर इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड फॉर बिगनर बिकॉज इट हैज़ अ मल्टीपल स्केल ऑन द सिंगल डायल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल स्केल आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देंगे, इसलिए बिगनर के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डीसी, एसी, माइक्रोफेराडे और ओम ये आपको अपने हिसाब से ही देखना होता है। हैज़ अ मल्टीपल स्केल ऑन अ सिंगल डायल। यू हैव टू स्पॉट द सिलेक्टेड स्केल एंड सम टाइम इट रिक्वायर यू टू मल्टीप्लाई द रीडिंग बाय 10 और 100 टू गेट द फाइनल मेजरमेंट फॉर अ लार्ज रेंज। द नीडल कैन ऑल्सो कॉज पैरेलैक्स एरर वेयर यू हैव टू लुक एट एग्जैक्ट 19 डिग्री एट द स्केल टू गेट अ प्रीसियस रीडिंग। ओके, आपको अगर मल्टीमीटर देखना है एनालॉग तो आपको 90 डिग्री पर से देखना होगा क्योंकि तभी आपको एग्जैक्ट रीडिंग मिलेगा। वॉट इज़ द एडवांटेज ऑफ द एनालॉग मल्टीमीटर? इट डज़ नॉट रिक्वायर अ बैटरी टू मेजर वोल्टेज एंड करंट। इसमें बैटरी नहीं है इसलिए आपको इसे चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये डज नॉट रिक्वायर मेजर द वोल्टेज एंड करंट। बैटरी डज नॉट रिक्वायर बैटरी फॉर मेजर वोल्टेज एंड करंट। इट इज़ वेरी सेंसिटिव।
इट कैन डिटेक्ट स्मॉल चेंज इन द रीडिंग इन रियल टाइम. इट हैज़ अ क्विकर रिस्पॉन्स टाइम फॉर चेकिंग कंटिन्यूटी और लीकेज. इट इज़ चीपर देन अ डिजिटल मल्टीमीटर. इट कैन शो फ्लक्चुएशन इन करंट एंड वोल्टेज. मे बी आप फ्लक्चुएशन होता हो तो भी आप इसमें देख सकते हैं, जो डिजिटल में आप नहीं देख सकते. डिसएडवांटेज, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ एनालॉग मल्टीमीटर? फुल स्केल डिफ्लेक्शन और ओवरलोडिंग कैन डैमेज द एनालॉग मल्टीमीटर. अगर करंट ज़्यादा हो जाए तो ओवरलोड हो जाए तो ये डैमेज हो सकता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड फ्रॉम द एनालॉग स्केल. और एनालॉग स्केल आपने देखा है स्क्रीन पर कि बहुत सारे स्केल होते हैं, इसलिए आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है. देर आर डिफरेंट अनसर्टेनिटी इन द रीडिंग. इट कैन कॉज पैरेलैक्स एरर. दे आर फिजिकली नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. दे डू नॉट हैव एक्स्ट्रा फीचर्स सच एज डिजिटल मल्टीमीटर. अनएबल टू शो नेगेटिव वैल्यू. यहाँ पर आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं दिखाई देगी क्योंकि आपको ज़ीरो पर इसको सेट करके उससे ज़्यादा हो वहीं आप देख सकते हैं. इट हैज़ लो इनपुट इम्पिडेंस दैट अफेक्ट द सर्किट ड्यू टू द लोडिंग इफेक्ट एंड इट रिक्वायर जीरो एडजस्टमेंट टू एडजस्ट द नीडल. ओके, तो ये है डिसएडवांटेज ऑफ द एनालॉग मल्टीमीटर. और आज हमने पढ़ा एनालॉग मल्टीमीटर क्या है और इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसमें क्या क्या होता है और उसके फंक्शन क्या है. फंक्शन तो सेम ही है मल्टीमीटर के. तो वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू और सब्सक्राइब अवर चैनल वाओ इलेक्ट्रिकल. एंड थैंक यू टू सपोर्टर्स.